तिहाड़ के बाहर है, ऐसे में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं सांसद संजय सिंह, इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, तिहाड़ जेल के बाहर आप समर्थकों का जमावड़ा और सांसद संजय सिंह की रिहाई हो गई है। बेल ऑर्डर पहुंचा था तिहाड़ जेल और उसके बाद अब संजय सिंह को रिहा किया जा रहा है। भारी हुजूम है आपके समर्थकों का और जैसा कि कहा जा रहा था, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, संजय सिंह बाहर आते हुए तिहाड़ जेल से। और हमारी संवाददाता भावना लगातार मौके से हमें अपडेट दे रही है। भावना, क्या जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था वो वक्त आ गया है। कहीं ना कहीं संजय सिंह को अब जो है तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया है। दोपहर से ही उनको रिहा करने की प्रक्रिया जो है जारी थी, और जैसे ही संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जो खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी के समर्थकों में, जो कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर है उनके अंदर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है और सब एक एक करके संजय सिंह से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि संजय सिंह के पास कोई ना पहुंच सके। लेकिन हाँ, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ गई है। कहीं ना कहीं संजय सिंह, बिल्कुल भावना, जिस पल का इंतजार किया गया था वो पल आ चुका है और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, फूलों की बारिश करते हुए भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि सांसद संजय सिंह से मुलाकात की जाए, लेकिन पुलिस के घेरे के बीच संजय सिंह को निकाला जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद सांसद संजय सिंह अपने समर्थकों को संबोधित भी करेंगे। जी मैं आपको बता दूं कि अभी संजय सिंह सबसे पहले मंदिर में मत्था टेक के, जैसे कि अनीता सिंह ने भी आज दोपहर में कहा था कि संजय सिंह की रिहाई होते ही सबसे पहले भगवान के चरणों में वो मत्था टेकेंगे, और उसके बाद सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करके जो समर्थक हैं अपने समर्थकों को संबोधित भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह शुरुआत से ही गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं शेर जैसी आवाज बुलंद करके संजय सिंह गरीबों के हक की आवाज उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और उनकी आवाज को नहीं दबने देते हैं। तो समर्थकों में काफी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है और अब संजय सिंह जो है हनुमान मंदिर मत्था टेक कर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर अपने समर्थकों को जो है संबोधित करेंगे। बिल्कुल भावना, और ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें, संजय सिंह रिहा हो गए हैं और उन्होंने आप समर्थकों को ये कहा कि जिस तरह से मैं रिहा हुआ हूँ वैसे ही बाकी जो लोग अंदर हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, सीएम केजरीवाल की बात उन्होंने कही, उनको भी जल्द ही रिहा किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहाँ पर तिहाड़ जेल के बाहर आप समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। संजय सिंह की रिहाई हो गई है, हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, समर्थकों में खुशी भी है। आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और संजय सिंह के साथ वो उनके घर तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान के दर्शन करने भी संजय सिंह जाएंगे। हनुमान मंदिर जाने का उनका पहले कार्यक्रम है, पहले वो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। और ये सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, संजय सिंह जी ने कार के ऊपर चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कही है, ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे तीन बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, और जब तक वो नहीं छूटेंगे
हम लोग खुशी मनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, रेल ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल टूटेंगे। यहाँ पे पार्टी ऑफिस करने का समय है और जिस तरह से संजय सिंह भी यही कहते हुए नजर आए, सौरभ भारद्वाज भी यही कह रहे हैं कि संघर्ष का समय है और यहाँ पर आप समर्थकों की इस भीड़ को संबोधित उन्होंने किया है। तो देखिए संजय सिंह ने सिर्फ एक ही बात कही कि ये वक्त जो है वो खुशी का नहीं है बल्कि संघर्ष करने का है और सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी संजय सिंह के बयान को ही दोहराया गया, साथ ही ये कहा गया कि अब हमें इंतजार है कि बाकी जो हमारे नेता अंदर है वो कब बाहर आएंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर तो देखने को मिल रही है, साथ ही इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि जिस तरीके से सत्ते की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जिस तरीके से सत्ते की जीत हुई है, सांसद संजय सिंह बाहर आए, अब धीरे धीरे कर एक एक नेता बाहर आ जाएंगे। दो तस्वीरें न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सांसद संजय सिंह जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए हाथ हिला रहे थे और कहा था कि ये वक्त खुशी नहीं है संघर्ष का है, और दूसरी तस्वीर जहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, सांसद संजय सिंह का इंतजार किया जा रहा था और अब सांसद संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, खुशी में हैं सभी कार्यकर्ता। आगे का जो कार्यक्रम रहने वाला है, अब सांसद संजय सिंह सीधा सीपी में हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, परिवार के साथ यहां पर पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेल से बाहर आते हुए की, ये तस्वीरें हैं संजय सिंह की, सांसद संजय सिंह जब जेल से बाहर आ रहे थे।